Hi everyone, good afternoon. Yeah, hi Prasmesh, good afternoon Aman, good afternoon Sanika, hi Rudra, yeah, good afternoon Kushal, yeah, hi Sahil. हाँ हाँ मैं एक बार रेजोनेंस से ही पिकअप करूँगा. या गुड आफ्टरनून तन्मय, गुड आफ्टरनून ध्रुवा. ऑल राइट, सो बैक बॉन्डिंग मैं कराऊंगा अभी. इट विल कम एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द टॉपिक्स. बोलो साहिल. सर सर आपने पीएच3 और एएचएच3 में बोला था वो अंडर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते. हाँ. तो उनका सर स्टेरिक नंबर जीरो रहेगा ना, मतलब नॉट डिफाइंड बेसिकली. लाइक स्टेरिक नंबर काउंटिंग में तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आप कर सकते हो. मतलब थिंग इज कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है. अच्छा सर. और सर आपने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखा था, वो सर वो क्लियर नहीं था. तो 350 लिखा था या 3510 था? अरे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल आपसे पूछना नहीं कि इनका बॉन्ड एनर्जी कितना रहेगा. जस्ट मैंने ये 356 है. 356. हाँ. एंड सर उधर उसके आसपास ही कुछ लिखा था डेल्टा एन, उधर ही है सर डेल्टा एन बिटवीन कंबाइनिंग एटम. फिर उसके आगे का सेंटेंस लिखा ही नहीं था सर. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कुछ नहीं लिखा था. हाँ, तो इंक्रीज करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, है ना? हाँ सर वो वही था. और सर वो CH3 में आपने बोला था वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, CH3 रेडिकल में. हाँ हाँ सर, आपने वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बताया था. right. सर उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो मतलब हाइब्रिड नहीं रहता, वो खाली प्योर पी एटॉमिक. हाँ सर, प्योर पी रहता है सर. उसमें मतलब उसकी ज्योमेट्री पे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? ये तो ज्योमेट्री से ही तो हमने डिसाइफर किया ना. नो सर, अगर प्योर पी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है. हाँ, तो दैट इज व्हाई वो ट्राइगोनल प्लेनर था ना. सर अगर जैसे ऊपर रहेगा तो फिर उसका टिल्ट हो जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं है. वो अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता तो फिर टिल्ट हो जाता है, जैसा कि CF3 में देखने को मिलता है. हाँ सर. और CH3 में नहीं देखने को मिल रहा था, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके सर, थैंक यू सर. ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट? उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. एज अ क्विक रिकैप, इन द लास्ट क्लास जब हम लोगों ने रेजोनेंस का इम्पैक्ट देखा था, सो इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर हम लोगों ने कैसा बताया था दैट इन सम केसेस जहाँ पर वी कैन ड्रॉ मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स विद द सेम रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वी से दैट कैनोनिकल फॉर्म्स are not going to exist. What will happen is that these electrons will be delocalized and the hybrid structure will exist, right? And then इसके बारे में हमने थोड़ा सा, अब क्योंकि VBT पढ़ लिया था तो इसलिए मैंने आपको एक added perspective इसमें बताया था कि इसमें जो pi electrons होते हैं, ठीक है, they get delocalized and these pi electrons are getting delocalized with the condition that three or more adjacent parallel overlapping orbitals are present. ठीक है, ऐसा compulsory नहीं है कि p का ही orbital हो, ठीक है, d orbitals भी रह सकते हैं, but अभी के लिए, like for the simple case that we have this p orbitals which are parallel, adjacent, and उनके बीच में pi electrons easily overlap कर सकते. तो इसमें मैंने आपको कंडीशन भी बताया था दैट जिन एटम्स के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है दे शुड बी इन द सेम प्लेन,
राइट। देन हमने बात करा था यहाँ पर कि कैनोनिकल फॉर्म और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो ये कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे थे व्हाइल डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस। देन मेजर फोकस वी हैड ऑन दैट हाउ दिस डीलोकलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड ऑर्डर, राइट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कैसे फर्क पड़ेगा। एंड उसमें मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल कराए थे ऑक्सीजन की, एज एन ओजोन के, N2O के, कार्बोनेट के। थोड़े से एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं इसी डायरेक्शन में, एंड देन उस पर आप देखोगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ बोलो सुमित। सर वो पीछे वो ओजोन वाला डायग्राम दिखा सकते हो? हाँ ऐसा नीचे सर रेजोनेंस वाला नीचे। हाँ सर इसमें वो ब्लैक वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है सर? नहीं नहीं वो एक्चुअली ब्लैक वाला पहले से ही था उसमें, लाइक दैट वाज द पाई बॉन्ड ओनली, बट उसमें वो पूरा पाई बॉन्ड लिखा नहीं था इसके लिए मैंने उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया था। ओके सर, ये बैक आपको चाहिए तो आप इसी के ऊपर ही बना लो, राइट, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड हो गया। वही से These are the pi electrons getting delocalized. All right. Now, अब notice करना, let's say benzene है, right? Benzene में, if you remember, इसके दो canonical forms रहते थे, right? दो canonical forms किस तरीके से? एक सिक्स मेंबर रिंग बनती थी और उसमें डबल बॉन्ड्स या तो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इस तरीके से, राइट, ये इसके दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स रहते थे, राइट, एंड इन कैनोनिकल फॉर्म्स की वजह से अब अगर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा किसी भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड पकड़ा तो इसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था पहले, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन द कैनोनिकल फॉर्म्स, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। सो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दैट इन C6H6 द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। नाउ इससे राइट ये हमने ऐसे बेंजीन का मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से, लाइक यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स के इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज रहेंगे। नाउ इससे किस तरीके से अब आप नोटिस करना बॉन्ड लेंथ पर या बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, ठीक, कैसा फर्क पड़ेगा? तो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, C2H6, C6H6 एंड C2H4, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, क्या रहेगा आपका आंसर? C2H6 में what will be the bond order between carbon and carbon? C2H6 में it will be a single bond only, right? In case of C6H6, ये हमने भी observe किया, it will be 1.5 benzene के अंदर, and C2H4 में double bond रहेगा, राइट। तो अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा था दैट मल्टीप्लिसिटी और यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ देन इन केस ऑफ C2H4 द बॉन्ड लेंथ विल बी least. Now,
अब ये चीज आप ही लोगों को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट C6H6 वाज द केस जहां पर रेजोनेंस था, जहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। अदरवाइज आप इमेजिन करो लाइक व्हेन यू विल बी गिविंग लाइक अ टेस्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया एंड अगर आपको ये ध्यान नहीं आया कि हाँ इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे राइट एंड देन आप कोई एक बॉन्ड को बोलोगे तो डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड है और शायद फिर आपको तब स्ट्राइक हो जाए कि नहीं इसमें रेजोनेंस हो सकता है एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि हाँ इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.5 रहेगा, इट विल बी बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ तो जहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहां पर हो सकता है दैट द बॉन्ड ऑर्डर कैन कम इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, जहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है वहां पर तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट जहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहां पर इट कैन कम इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस एक दो और क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, लेट्स से क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट कि कंपेयर द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ इन दीज थ्री एग्जाम्पल्स, CO, CO2 एंड CO32- आयन, कार्बोनेट आयन, बताओ। ऑलराइट सो अब आपने क्या करा, सबसे पहले इनके लो स्ट्रक्चर्स याद करने की कोशिश करी, कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसा होता था, दिस वाज द लो स्ट्रक्चर राइट, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको पता पड़ गया कि 3 रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में दिस इज द लो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें आपका ये डबल बॉन्ड रहेगा। देन CO32- में इफ यू रिमेम्बर दैट दिस वाज द केस जहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये एंड बेस्ड ऑन दैट यू रिमेम्बर दैट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट करा था, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए थे एंड सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 4 आया था डिवाइड बाय द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, so based on this right you have this answer that 3 2 and 4/3, ठीक है, ये समझ में आया। based on this अब आप bond strength bond length का आंसर कर पाओगे। हाँ बोलो हमें So in CO3- in CO32-, yeah, if the negative 2 sign is on C, will it affect its hybridization? Means बिल्कुल एकदम अच्छा, ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कर दिया अमन। अब होता कैसा है दैट जनरली कमी आता है डाउट, बट जब आपने यहाँ पर मैंने आपको लो स्ट्रक्चर्स बना के बताए थे, ठीक है, एक ये लो स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, एक ये लो स्ट्रक्चर बनाया था राइट, एक और कौन सा लो स्ट्रक्चर बनाया था,
ये डबल बॉन्ड ऊपर रख देंगे. ठीक है ना. एक्चुअली इसमें और भी लो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. ठीक है. एंड दैट जस्ट बिकम्स मोर ऑफ अ हेडेक. समथिंग लाइक दिस. यस. ठीक है. नाउ इट्स अ गुड थॉट दैट आपने प्रेजेंट किया है. इज दिस अ वैलिड लो स्ट्रक्चर? वेल, एक तरीके से बोला जाए तो यहां पर गड़बड़ ये है कि कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता. या ओके ओके. तो चलो ठीक है, ऐसा लिख देता है. नाउ इज दिस अ वैलिड लो स्ट्रक्चर? द आंसर इज यस, इट्स अ वैलिड लो स्ट्रक्चर नाउ. ठीक है. बट अब ये जो लो स्ट्रक्चर रहेगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड विल बी negligible as compared to these other three hybrids. And यही चीज आपको organic में बाद में बताएंगे. अब उसके पीछे का reason क्या होता है? When we compare relative stability of canonical forms, तो इसमें ये वाला जो canonical form है this is going to be least stable. क्योंकि यहां पर पहली बात हमने चार्जेस का अक्यूमुलेशन कर दिया है. आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पॉइंट आएगा दैट इफ चार्जेस आर वेल स्प्रेड आउट देन इट इज अ मोर स्टेबल अरेंजमेंट रादर देन बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन वन लोकेशन. फिर दूसरा पॉइंट भी आप पढ़ोगे दैट चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज लेस स्टेबल. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट भी रखना है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन पर रहेगा तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. तो इस तरीके से देयर आर कैनोनिकल फॉर्म्स दैट कैन बी ड्रॉन. लाइक आपने ये लुईस स्ट्रक्चर बनाया है एंड मैं मना नहीं कर सकता आपको कि ये लुईस स्ट्रक्चर गलत है. ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है. ठीक है. बट इट ओपन्स अप एन एंटायर लाइक पैंडोरास बॉक्स इन टर्म्स ऑफ अरे सर इस तरीके से माइनस टू चार्ज आप और भी बनाओगे मतलब हमने और भी जैसे एग्जाम्पल करे थे उनमें भी कर सकते हैं ना. तो यू आर राइट दैट वे. बट इसको स्टार्टिंग में ही जब आप लोगों को बॉन्डिंग सिखाई जाती है जब लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो मैंने कभी ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया ही नहीं इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. आपने खुद से सोच लिया अच्छी बात है राइट. बट मैं ऐसा बनाते नहीं क्योंकि दिस काइंड ऑफ चार्ज अक्यूमुलेशन ऑन अ सिंगल एटम एनीवेज कम्स आउट टू बी लेस स्टेबल. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाइब्रिड में होता ही कम है. तो ये जो तीन लो स्ट्रक्चर आपने बनाए दीज आर द वंस दैट कॉन्ट्रीब्यूट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. नाउ ठीक है. चलो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. कंपेयर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बिटवीन एक रखते हैं अजाइड आयन और एक रखते हैं N2. अरे एक सेकेंड इसको नीचे पुट कर देते हैं. एक N3 माइनस वर्सेस N2. बताओ. N3 minus versus N2.
राइट right? यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो N2 में तो 3 आएगा. व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अजाइड आयन? एक ये लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है राइट और एक ये लो स्ट्रक्चर रहता है राइट एंड इन दोनों का व्हाट विल एग्जिस्ट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स की वजह से जिसमें यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच का रहेगा और एक जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा. ठीक है, वैसे तो मुझे यहां पे बताना चाहिए था बट एनीवेज इवन इफ यू टेक आइदर ऑफ देम या तो यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है या फिर 1.5 है. ठीक है, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन और सेंट्रल नाइट्रोजन के बीच में राइट इसमें एक कैनोनिकल फॉर्म में तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और एक कैनोनिकल फॉर्म में डबल बॉन्ड आ रहा है. ठीक है, इनफैक्ट इसमें तो आप चलो एक और भी बना ही सकते हो. आई वुड रादर इनफैक्ट ड्रॉ वन मोर बट उस केस में इस केस में विल दिस ऑल्सो वर्क बनाने के लिए ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म में बना सकता हूं. ठीक है, पर इस वाले में सोचना पड़ेगा मुझे. मतलब जनरली ऐसे जब दो डबल डेटिव इस तरीके से आ जाता है ना तो इट इज काइंड ऑफ नॉट कंसिडर्ड. बनाने के लिए तो बना सकते हो बट ये इस तरीके से नहीं रहेगा तो ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट ही कर दो. मतलब एक तरीके से लोएस्ट स्ट्रक्चर है बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन is not considered. इन दोनों के हिसाब से ही कर दो आप यहाँ पर. तो ये बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 and 3 और एक 1 and 2 के बीच में रहने वाला है. ठीक है, इस तरीके से डबल डेटिव ऑन अ सिंगल नाइट्रोजन बेसिकली हो ये रहा है. ठीक है, इसको अगर आप ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से समझोगे ना तो यहां पर हो ये रहा है दैट ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है एंड इसका ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा. ठीक है, जिनके साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एंड इसका एक पाई के साथ में ओवरलैप रहेगा और ये एक पाई के साथ में ओवरलैप रहेगा. ठीक है, समथिंग यू कैन अज्यूम सिमिलर टू जैसे CO2 रहता है ना उसी लाइंस पे. ठीक है.
सो इसमें मैं एक्चुअली इसका ऑर्बिटल्स का ओवरलैप का स्ट्रक्चर बताना चाह रहा था, दैट ये जो सेंट्रल एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? तो इसका ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, वैसे ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा सेंटर वाले नाइट्रोजन का, फिर ये वाले नाइट्रोजन के साथ में इसका ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट? ये वाले के साथ में भी एक ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज रह सकता है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रहेगा इनमें। तो एनीवेज दो बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन थ्री ओनली। तो बॉन्ड लेंथ अगर मुझे कंपेयर करनी रहेगी तो N2 की कम रहेगी एज कंपेयर टू इन दी अजाइड आयन, ठीक है। सो यहां पे मैं इसका कैनोनिकल फॉर्म आपके लिए बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है, मैं आपको इसका एक बार ना कंट्रीब्यूटिंग लोअर स्ट्रक्चर्स का देख के बताता हूँ। क्योंकि मुझे जहां तक इसमें आइडिया है अजाइड आयन में ना, बोथ दीज बॉन्ड्स आर एक्चुअली आइडेंटिकल। तो लाइक द वे इन विच हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर ना, इसमें एक्चुअली आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली एक कम स्टेबल एक ज्यादा स्टेबल टाइप्स आ रहा है, तो फिर उसमें ये जो फॉर्मूला है ये somehow थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। ये तो श्योर है, ये तो फॉर श्योर है दैट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन थ्री, ठीक है। बट बॉन्ड ऑर्डर अब मुझे जहां तक याद आ रहा है इसमें शायद टू रहना चाहिए। लेट मी कंफर्म ऑन दिस, ठीक है, ये मैं आपको देख के बताता हूँ बिकॉज आई थिंक इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन कैनोनिकल फॉर्म्स का, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें बॉन्ड ऑर्डर टू ही रहेगा और ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे इन द अजाइड आयन। हाँ, आंसर तो स्टिल वही रहेगा दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेसर, बट हाँ लाइक टू से दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 और 1.5 वो शायद थोड़ा दिक्कत भरा काम हो जाएगा यहाँ पर because of the unequal contributions coming from these. नहीं, so वही मैंने आपको बोला अमन, that यहाँ पर मैं आपके साथ में select examples discuss कर रहा हूँ जहाँ पर I can reproduce identical canonical forms in front of you, ताकि आपको एक basic idea लगे। Oops, हाँ चलो, जैसे ये वाले example के बारे में बताओ। NO bond length in case of NO2 plus, NO2 minus,
and NO3 minus. इनमें बताओ. हाँ हाँ बाद में गूगल करना, अभी पहले इधर आ जाओ, रहेगा टाइम आपके पास गूगल करने का बाद में. ऑलराइट, कैसा आया इसमें? हाँ तो राइट, यहां पर आपने इनके लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे, तो इसमें किस तरीके समझ में आया? एक मिनट, NO2 प्लस में यू हैव अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2. इन NO2 माइनस आपने जब ड्रॉ करा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा दैट द बॉन्ड ऑर्डर केम आउट टू बी 1.5, राइट. एंड इन केस ऑफ NO3 माइनस, राइट, इसमें भी आप मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है, and you will come across the three canonical forms. ये हम लोगों ने इनफैक्ट शायद लास्ट क्लास में बनाया भी था, अगर नहीं बनाया था तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो NO3 माइनस के लो स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, राइट, एक इस तरीके से रहेगा, राइट. देन इनफैक्ट इसमें आप चाहिए तो मल्टीपल वेज में आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, दूसरा लो स्ट्रक्चर रहेगा. और कैसे बना सकते हो? यहां पर ओ नेगेटिव रख लो, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड इसके साथ में, राइट, वर्सेस यहां पर ओ नेगेटिव तो रख लो, यहां पे डेटिव बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है. एंड देन लास्टली आप यहां पर भी ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज रख सकते हो, डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो यहां पर यू कैन सी दैट 6 लुईस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. नाउ अब आप इनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ लो, से ये वाला बॉन्ड आपने पकड़ा,
और इन सब कैनोनिकल फॉर्म्स में उसका बॉन्ड ऑर्डर एड अप कर दो, ठीक है। कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ सकते हो इसमें, क्योंकि सब बॉन्ड आइडेंटिकली है। तो यहां पर व्हेन यू टेक दिस एग्जांपल, 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 6, विच इज एज गुड एज 4/3। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? हाँ, अब जैसा भाई आपने सुमित करेक्टली पॉइंट आउट करा, यू कैन ऑल्सो हैव अ लोअर स्ट्रक्चर जिसमें एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आप वो वाला लोअर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट उसमें अगेन बिकॉज एन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, वी प्रेफर द मोर नेगेटिव चार्ज, वी प्रेफर द नेगेटिव चार्ज टू बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, ठीक है आपका। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट है, जैसे उस थोड़ी देर पहले उसने कार्बन पे बनाया था ना 2 नेगेटिव का, वैसे यहां पर भी यू कुड हैव कम अप विद दिस एज अनदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑप्शन, ठीक है, अनदर लुईस स्ट्रक्चर। एंड इसमें आप वापस से लाइक इसके भी 3 वर्जन क्रिएट कर सकते हो, बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेसर रहेगा रिलेटिवली, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। आप इसके भी 3 वर्जन बना सकते हो, लेफ्ट वाले पे डबल बॉन्ड ऊपर वाले और राइट वाले पे डेटिव बॉन्ड, फिर राइट वाले पे डबल बॉन्ड और ऊपर और लेफ्ट वाले पे डेटिव बॉन्ड और फिर ऊपर वाले में डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसको लोगे भी सही ना, तो आंसर वापस से सेम ही आने वाला है आपका, डिफरेंट नहीं आएगा। ऊपर न्यूमरेटर में वापस एक 4 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वापस एक 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट इन वाले कैनोनिकल फॉर्म्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये वाले कैनोनिकल फॉर्म्स ही दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एज अ नोट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ऑलराइट, इसने ये अच्छे से ड्रॉ नहीं करे तो इनके ऊपर ज्यादा मत पूछना, he has not drawn them nicely. हाँ वही तो मैंने बताया अभी हर्ष। हाँ, the contribution on or the negative charge is taken to be on the more electronegative atom, ठीक है, that is in fact a better arrangement. अब इसके पीछे का एक जो thought process है वो यहां से भी आता है, like ये जो ions है, ये जो NO2 minus ion है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये this comes from nitrous acid HNO2 से, ठीक है। जो nitrous acid होता है इसमें ये O के साथ में H attached होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये H plus release होता है तो negative charges oxygen के ऊपर आता है, ठीक है, एंड ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। आप ये सीखोगे ऑर्गेनिक में, दिस कॉन्जुगेशन थिंग यू विल स्टडी इन इट, बट हाँ मैं आपको इसका ओरिजिन बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज हम लोग किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर HNO3 एज वेल, एज NO3 माइनस आयन एज वेल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कंपेयर करना, इसमें थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस होगा। कंपेयर SO बॉन्ड बिटवीन SO4 2- एंड SO3 2-, ठीक है।
ठीक है. NO2 माइनस में क्या दिक्कत है यश? NO2 माइनस में ये है ना, अभी तो बनाया मैंने. आप बोल रहे हो कि मुझे नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन बनाना है, इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट दीज आर द वंस व्हिच आर द मोर स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है. ऑल राइट, बनाया आप लोगों ने? और टाइम चाहिए? चलो ठीक है, ट्राई करो. अगेन यहां पर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, डोंट पुट द नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर. सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड हाँ, यहां पर सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है. Alright. हो सकते हैं ना, यहाँ पर लोन पेयर इन सल्फाइड आयन के अंदर होगा ना, सल्फेट में नहीं होगा. Alright. So आपने लो स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया होगा, लाइक ये SO4 2 माइनस का एक लो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया होगा आपने, एंड SO3 2 माइनस का इस तरीके से. राइट, नाउ अब आपने इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखे होंगे.
तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स रहेंगे इनके, राइट? यहाँ SO3 2 माइनस के तो आप तीन लुईस स्ट्रक्चर्स ही बना पाए, तीन कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए, आपने SO4 2 माइनस के छह कैनोनिकल फॉर्म्स बना दिए अगेन, ठीक है? राइट, ये छह कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगे यहाँ पर, एंड इनका आप जब कैलकुलेशन करोगे, लाइक कोई सा भी एक SO बॉन्ड आप पकड़ोगे, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 2 + 3 = 4, 4 प्लस ये डबल बॉन्ड है ना, 6, 8, 9, 10, 10 by 6, sorry, 9 by 6, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 9 by 6 आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। एंड यहाँ पर कोई सा भी एक आप बॉन्ड पकड़ लो, ये वाला बॉन्ड पकड़ लिया, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 / 3, तो ये 1.5 है, 1.33 है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट इन केस ऑफ सल्फेट आयन द बॉन्ड ऑर्डर इज मोर, द बॉन्ड स्ट्रेंथ, अरे ये उल्टा लिख दिया इसने, बॉन्ड ऑर्डर इज मोर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम होगी, ये 1.5 रहता है एंड ये 1.33, ठीक है? समझ में आया? सल्फर पे तो लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर है तो सही है सल्फर पर, समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और अटेम्प्ट ले लो, वन लास्ट, इसको ट्राई करो। कंपेयर द सीएल ओ बॉन्ड बिटवीन दीज फोर केसेस, लेट मी ज़ूम इन अ बिट। एक है CLO माइनस, ठीक है, जस्ट CLO माइनस है। एक है CLO2 माइनस, एक है CLO3 माइनस और एक है CLO4 माइनस, इनमें कंपैरिजन करना है CLO बॉन्ड का, सी इफ यू कैन ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म्स।
All right. कुछ आया? हाँ हाँ O is more electronegative than chlorine. Please keep the negative charge on O only. Alright, कितना आ रहा है bond order इस केस में? तो 1 आ रहा है पहले वाले केस में, तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले केस में, हाँ करेक्ट यश. बाकी लोगों का कितना आया bond order यहाँ पे? दो ही लो स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर. इन दिस थर्ड वन CLO3 माइनस में, हाँ 5/3 करेक्ट. तीन लो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे. एंड CLO4 माइनस में 7/4 करेक्ट. राइट, कैसे आया ये आप यहां पे नोटिस करो. यू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर्स 1/1. तो यहां पर आप नोटिस करोगे ClO माइनस में, तो चलो एक ही लोएस्ट स्ट्रक्चर है. यहां पर आप नोटिस करोगे इन ClO2 माइनस, राइट. तो इसमें कैसा रहेगा, यहां पर ये एक लो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ओ माइनस इधर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज और फिर डबल बॉन्ड ओ इधर है. तो इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 दिख जाएगा, ठीक है, कोई सा भी आप सी एल ओ बॉन्ड पकड़ोगे. तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जो रहेगा आप इन तीनों ऑक्सीजन पे के करके ले सकते हो, राइट. तो यहां पर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, राइट. यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसका सिंगल बॉन्ड रहेगा. आप कोई सा भी एक सी एल ओ बॉन्ड पकड़ लो, लाइक ये लेफ्ट वाला पकड़ा अगर आपने, तो 2+1+3 5 ऑन न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय 3 दैट इज ऑन द डिनोमिनेटर, राइट. एंड सिमिलरली लास्ट वाले में यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पे आप यूज करोगे एक एक करके, राइट. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हेन यू विल टेक द बॉन्ड ऑर्डर, कोई सा भी आप जैसे राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन पकड़ लोगे तो सी एल ओ के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है. तो न्यूमरेटर में 7 आ गया एंड डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा. तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का. हाँ नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ लो स्ट्रक्चर भाई. ये वाला ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया है यश,
सर यश का बोल रहा हूँ मैं हर्ष, बट ये मैंने आपको पहले ही मना करा था ना, लाइक ये जो कंपाउंड आ रहा है, लाइक जब आपने आप लो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, ये HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 इन एसिड्स से आ रहा है, ठीक है, दीज आर ऑल एसिड्स, दीज आर नॉट परॉक्सी कंपाउंड्स, ठीक है, दे आर नॉट परॉक्सी कंपाउंड्स। तो इस तरीके से ये ऐसे O सिंगल बॉन्ड O के लिंकेज वाले लो स्ट्रक्चर्स को आप नहीं लो, ठीक है, वो आपके दिमाग में हाँ थॉट आया है, बट ठीक है, बिकॉज ये अगेन मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो लो स्ट्रक्चर्स बताए थे उनसे हम लोगों ने ये चीजें डिसाइफर करी थी, राइट। आपको जैसे याद हो तो मैंने ऐसे HClO4 का लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था, एंड हो सकता है कि किसी ने ये वाला लो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हो, ठीक है, बट मैंने बोला था कि ऐसे लो स्ट्रक्चर्स प्लीज मत ड्रॉ करना, इनमें लाइक मिलता नहीं है ऐसा परॉक्सी लिंकेज, ठीक है। सो ये ठीक है, कुछ कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैप्टर में ना, उनका आप लाइक टाइम एंड अगेन रिविजन करते रहो, ठीक है, बिकॉज आप इमेजिन करो कि अगर आप रिविजन नहीं करोगे ना तो आज से 6 महीने के बाद में आपके दिमाग में वापस से यही डाउट्स आएंगे कि अरे मैं इसका लो स्ट्रक्चर ये भी तो बना सकता था, तो डाउट्स बाद में, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर कोई और टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे, आई डोंट नो कि हम लोग उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी ले पाए कि हम लोग दोबारा ये डिस्कस कर पाए, तो उस टाइम पे आपको ये डाउट्स खुद से वापस से याद आ जाने चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं परॉक्सी लिंकेज बस इतना ही मिलता है, मतलब जनरली लाइक I have not come across something like this. Like I have not come across 3 oxygen connected. Like 2 मिल जाते हैं वो अपने आप में एक select cases रहते हैं, ठीक है। All right. So इस तरीके से अब आप booklet में practice करोगे questions तो आपको समझ में आएगा, and आप notice करोगे जब मैं आपको booklet में homework दूंगा based on this bond parameters तो आपके सामने ऐसे questions आएंगे जहां पे आपको बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना रहेगा, एंड उसमें द आइडिया इज कि आपको रेजोनेंस हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर एटलीस्ट ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे जिनमें इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे ClO- का आपने देखा, इसका आपने लो स्ट्रक्चर बनाया तो आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये एज इट इज है, ठीक है। वैसे बनाने में तो एक्चुअली कोई इसका लो स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बना सकता है, इस तरीके से भी आप बना सकते थे इसका लो स्ट्रक्चर, बट अगेन यहां पर जैसे मैंने बोला जो नेगेटिव आयन है, अच्छा नेगेटिव चार्ज जो है, यू विल ट्राई टू पुट इट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। हाँ नहीं नहीं तो यश इसमें अभी आपको उस चीज पे नहीं जाना है, तो मैं ओके यश का क्वेश्चन है एंड इट इज अ कॉमन क्वेश्चन लाइक आप लोगों के कहीं के दिमाग में होगा दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल ड्रॉइंग द स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं यश का क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्रॉइंग स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स और यू कैन से लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है एंड ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसका एक पूरा लिस्ट रहेगा, आप ऑर्गेनिक में आगे देखोगे। अभी यहां पर मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कवर इन अ डिटेल्ड मैनर, यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं दैट ऑल यू नीड टू
look about. Okay, the examples which I am taking with you, the examples which I am discussing with you are cases jahan par we are able to draw equivalent canonical forms. ठीक है, एंड इसमें जस्ट एक पॉइंट जो मैंने आपको नोटिस करने के लिए बोला है, ठीक है, इज दैट प्लीज कीप द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इन द अदर वे पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एंड एक और पॉइंट मैं यहां पर बस लिखवा देता हूं, डोंट accumulate charge. On one atom. ठीक है, जैसे वो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया था ना, ठीक है, इनफैक्ट चाहिए तो मैं उसके साथ में ही ये बता देता हूं आपको. यहां पर कार्बोनेट आयन का भी लोएस्ट स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए थे. राइट, सो कार्बोनेट आयन के केस में इफ यू रिमेम्बर, ये एक लो स्ट्रक्चर था, ये दूसरा लो स्ट्रक्चर है, राइट, तीसरा लो स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड यहां पर आपने एक और ये लो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था किसी ने, तो इस तरीके से, राइट, तो इसके लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि डोंट डू दिस. ठीक है, यहाँ पे I'll put the this thing. Don't accumulate charge on one atom. ठीक है, इसमें तो वैसे भी कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाँ, डेटिव बॉन्ड आप बना सकते हो. वैसे तो डेटिव बॉन्ड की जगह अगर आप और सिंप्लीफाइड लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, जैसे मतलब यहां पर इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट इफ इंस्टेड ऑफ डेटिव बॉन्ड यू वांट टू डू दिस आल्सो, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स ओके. ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है. तो इससे क्या हो जाएगा दैट समटाइम्स यू वाइट फाइंड सिंप्लीफाइड लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाले जो मैंने लोएस्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हो सकता है कि आप किसी बुक में पढ़ो तो राधर देन दीज आपको कैसे मिल जाएंगे. यहाँ पर आप नोटिस करना, एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो डेटिव बॉन्ड था इस वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये एक कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, देन दूसरा कैनोनिकल फॉर्म क्या मिलेगा ऊपर वाले के साथ में, आप कर लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक ये कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर लो, या फिर इस वाले के साथ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है.
तो ये आप ये चीज भी कर सकते हो, मैंने आपको ये ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई है. लाइक इफ यू विल गो आई थिंक से फॉर एग्जांपल विकिपीडिया पे आप जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स दिख जाएंगे. ठीक है, दैट इज मेयरली लाइक ये जो डेटिव बॉन्ड है उसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है, राइट, विद अ सिंगल बॉन्ड एंड अ प्लस माइनस चार्ज लगा दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको मिल जाएंगे. तो इट इज नॉट समथिंग न्यू, इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा. लाइक यू गो अबाउट कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर, तो ये 4/3 ही आने वाला है. ठीक है, तो सेम आंसर दैट वी हैड, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट एस्पेक्ट. इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है, ये मुझसे क्योंकि किसने क्वेश्चन पूछा था अभी कि डेटिव बॉन्ड्स नहीं बनाए तो चलेगा क्या, तो आपको अगर डेटिव बॉन्ड्स की जगह ये प्लस माइनस वाला रिप्रेजेंटेशन भी यूज करना है तो दैट्स ऑल्सो ओके. ठीक है, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक, सो ये आप लोगों ने अभी इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं. ठीक है, तो इसमें अभी लाइक होल होस्ट ऑफ पॉइंट्स मैं आपको याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इतने दो तीन पॉइंट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ. यश, क्या क्या है? नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे रखना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रख लेना. ठीक है, एंड डोंट अक्यूमुलेट चार्ज ऑन वन एटम. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना एंड आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में काम हो जाएगा. ठीक है, और भी थोड़े से पॉइंट रहते हैं बट इतना काफी है अभी आप लोगों के लिए, यू डोंट नीड टू वरी मोर देन दिस. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इनफैक्ट अब आप नोटिस करना what in fact I am going to do is we are now entering the topic of miscellaneous bonding. So हम लोगों ने covalent bonds का discussion कर लिया था. ठीक है, and as part of covalent bonds हम लोगों ने single, double, triple, dative इन सब का discussion कर लिया. ठीक है, अब I am going to talk about certain more examples जहां पर we will be focusing on like similar to covalent bonds but you know slightly different, something miscellaneous to note about them. तो उसमें जैसे एक रहेगा hydrogen bonding. ठीक है, there will be van der Waals forces. Okay, van der Waals forces are not really covalent bonds, but इसी के साथ में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, then I will cover a topic of back bonding. ठीक है, आपने एक आध किसी question में शायद ही notice कर लिया होगा, but हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. Then we will also talk about banana bonding. ठीक है, ये कुछ मिसलेनियस बॉन्डिंग है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा एज पार्ट ऑफ एडिशनल टू यू नो द कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. ठीक है, एंड इसी में इनफैक्ट आपको pi overlap between p and d orbital वाले भी examples करा दूंगा, ये भी एक आएगा बीच में. ठीक है, अभी तक आप नोटिस कर रहे हो कि जितने भी मैंने pi overlap वाले questions आपके साथ discuss करे थे उसमें p और p orbital के बीच में हो रहा था, बट एक p और d वाले भी मैं आपको कुछ cases कुछ examples बता दूंगा. ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले इसके बाद में फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आएंगे. यश,
So let's talk about hydrogen bonding first. Now, hydrogen bonding क्या होता है यहाँ पे notice करना. When hydrogen is bonded with highly electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen. अभी के लिए इतना ही. आप जब organic में जाओगे तो एक दो केस और बताएंगे आपको, ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही. अगेन रेस्ट्रिक्टिंग द सिलेबस. हाँ, क्लोरीन के साथ में स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट. हाँ, मतलब अभी सिर्फ क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है. बाद में आप नोटिस करोगे क्लोरीन के साथ में भी, बट देन उसके लिए थोड़े से स्पेशल केसेस रहेंगे, वो आपको अलग से ऑर्गेनिक में एग्जाम्पल बताएंगे बाद में. अभी के लिए फोकस करना व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद highly electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen, then there is a strong partial positive charge that is generated on the hydrogen atom. Now, because of this strong partial positive charge, ye jo hydrogen rahega, it is going to get attracted towards the lone pair of another electronegative atom, and this attraction results in formation of hydrogen bond. So yahan par aap notice karna, jaise for example you have hydrogen which is bonded to a highly electronegative atom, say X. This X can be nitrogen, oxygen or fluorine. Theek hai, ab yahan par because of this there is this strong partial positive charge that came on the hydrogen atom, right? And now ab aap notice karoge that ye jo partial positive hydrogen hai, this is getting attracted towards the lone pair of another electronegative atom. Okay, this is some other electronegative atom, uske lone pair ki taraf ye attracted hai. तो इनके बीच का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं. नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड हैज सर्टन स्पेशल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट व्हिच वी आर गोइंग टू हाईलाइट एंड अंडरस्टैंड as part of studying hydrogen bonds. Now notice karna yahan par ye jo hydrogen bonds rehte hain, inka ek kafi important characteristic jo rahega, is tarike se notice karna, hydrogen bonds are not as strong as covalent bonds. Their bond energy lies somewhere around 20 kilojoule per mole only. ठीक है, regular bond energies जो अपने ऊपर देखी थी single bonds की, वो कैसी थी? 300, 400, 500 kilojoule के आसपास थी. ठीक है, यहाँ पर ये जो hydrogen bond form हो रहा है, ये काफी weak है as compared to a covalent bond. So the bond energy is very low as compared to the covalent bond. However, it is still significant. It is still significant and plays an important role in changing the physical and chemical properties of compounds. Now, another important observation which kind of makes this bonding distinct is the fact that this bonding is directional in nature, similar to covalent bonds. What do I mean by this? यहाँ पर नोटिस करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that similar to covalent bonds, this is directional in nature, because when we observe structure of certain compounds with hydrogen bonding present in them, such as say solid HF का structure है, ठीक है, तो solid HF का structure किस तरीके से है, यहाँ पर आप नोटिस करना, आउट ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज विच यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पर कैसा है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया,
ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, व्हाट विल हैपन इज दैट द हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ द फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करना, ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड HF इज फाउंड, बिकॉज यहां पर आप नोटिस करोगे ये HF का मॉलिक्यूल रहेगा और F के जो ये तीन लोन पेयर रहेंगे ये कैसे ट्राइपॉड मैनर में प्रेजेंट रहेंगे, एक सेम प्लेन में है, एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इन लोन पेयर के साथ में इसी डायरेक्शन के अलोंग ओवरलैप कर रहा होगा, एंड दिस इज व्हाट कंटिन्यूज टू हैपन थ्रू आउट द सॉलिड HF स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि लाइक यहां पर ये लेट्स से HCl है तो ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो लाइक कहीं से भी हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन दैट हैज कम इज दैट इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज समथिंग वेयर वी सी द इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड द लोन पेयर ऑफ द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर ऑल्सो, ठीक है, वॉटर नहीं, इनफैक्ट आइस बोलना चाहिए मुझे। तो यहां पर जैसे ये वाला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत है, बिकॉज इसमें लाइक ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है अराउंड F, विच इज रॉन्ग, लाइक F के अराउंड जीज लोन पेयर विल बी इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ये एंगल अक्यूट ही रहेगा, नहीं अक्यूट तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेस देन 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। अभी आप आइस का स्ट्रक्चर भी देखते हो, इफ यू रिमेम्बर आइस का स्ट्रक्चर भी होगा यहाँ पर कहीं तो बनाया होगा, इसने नहीं बनाया, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड H2O, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा दैट केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें भी कैसा है, यहां पर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसके अराउंड, ठीक है। तो अब जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली मतलब ये ऐसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो रैंडमली लाइक किसी भी तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट करने लग गए। इनके बीच में आप नोटिस करना जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप होता है, लेट मी रेप्लिकेट दिस, ठीक है। तो इसमें अब आप नोटिस करोगे ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, लाइक एक्सटेंड होता जाएगा, 3D में रहेगा ये, ठीक है, यहां तो मैंने ये 2D में बना दिया, बट इस तरीके से यू विल फाइंड दिस केज लाइक स्ट्रक्चर्स व्हेन व्यूड फॉर आइस। तो ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द आइस
बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली अरेंज हो गए. राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं है कि एक कटायन है और एक अनायन है तो ये ऊपर रहे, नीचे रहे, आगे रहे, पीछे रहे, सब जगह सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा ना, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो वैसा नहीं है यहाँ पे, दे हैव दिस डायरेक्शनल नेचर. ठीक है, ये समझ में आया आपको पॉइंट डायरेक्शनल नेचर का? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बॉन्ड टू ऑब्जर्व कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज फाउंड नॉट इन एवरी केस, इट इज एक्चुअली फाउंड इन दीज केसेस जहां पर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. एंड दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, दिस इज द वन विच इज एबल टू यू नो अट्रैक्ट और गेट अट्रैक्टेड टू द लोन पेयर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इन अ डायरेक्शनल मैनर. ठीक है, हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर मच वीकर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर मच वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड्स, दे आर मच वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, दे आर मच वीकर देन पाई बॉन्ड्स. ठीक है, आप नोटिस करो ना, अराउंड ओनली 20 किलो जूल्स काइंड ऑफ बॉन्ड एनर्जी ये पोजेस करते हैं. आगे थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको वैल्यूज याद रखें, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया दैट टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बॉन्ड एनर्जी किस लेवल का रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स एंड दे आर करेक्टली एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अच्छा, अब नोटिस करना, हाँ, ये सॉलिड H2O का भी था, दिस इज लाइक द केज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब नोटिस करना, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हम लोग थोड़ी डिटेल्स में और जाते हैं, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी कम अक्रॉस. वन इज इंटरमोलिकुलर एंड द अदर इज इंट्रामोलिकुलर. अब किस तरीके से रहेगा आपका आंसर, थोड़ी देर में आंसर करता हूं मैं तन्मय, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, वो आपका आंसर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसा होगा, दैट यहां पर, अच्छा ये टर्म नोटिस करना, डोनर एंड एक्सेप्टर की. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसके दो पार्ट है, राइट, एक है डोनर और एक है एक्सेप्टर. डोनर उसे कहते हैं जो कि हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ में अटैच रहता है, और एक्सेप्टर उसे कहते हैं जो कि लोन पेयर के वाले पार्ट से अटैच रहता है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला पार्ट रहता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहते हैं, और जो लोन पेयर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं. ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर. इंटरमोलिक्यूलर में कैसा है, द डोनर एंड एक्सेप्टर दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया, लाइक HF वाला बताया या H2 वाला बताया, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है. राइट, ये जो डोनर है ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल का पार्ट है, और जो ये एक्सेप्टर है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल का पार्ट है. तो इसको कहेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वैसे ही देयर इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो. इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट द डोनर एंड एक्सेप्टर आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है, किस तरीके से, यहां पर ये एग्जांपल आप देखो, जिसमें बेंजीन के ऊपर एक NO2 का ग्रुप है. ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा एक अच्छा डायग्राम बना देता हूं.
ठीक है, नोटिस करो यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये N डबल बॉन्ड या एडिटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एडिटिव बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लोन पेयर रहेगा राइट, और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है राइट, इनके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड ये एक्सेप्टर और डोनर क्या है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, तो इसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। नाउ अब बिफोर यू गाइज लीव फॉर द क्लास, एक जस्ट क्विक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ऑल राइट, ये वाले एग्जाम्पल में बताओ, इज दिस अ वैलिड केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ, द आंसर इज येस। कैसे? बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे डैश लाइन से शो करी हुई है, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, ग्रेट, एंड ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ग्रेट, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। आपको लोन पेयर भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन का ही रखना है, ठीक है। यहां पर अभी मैं वही एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं जहां पर वी आर टेकिंग ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन टू अकाउंट, उन्हीं से अटैच हाइड्रोजन है, उन्हीं का लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल नोटिस करना राइट, एसिटिक एसिड का टीडीएट ने एच ही खा लिया, यहां पर एच था, क्या ये एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? करेक्ट, इसमें भी आप नोटिस करोगे दैट ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है और उसके लोन पेयर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस केस? इज दिस एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? राइट, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो ना, ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ में अटैच्ड है, ठीक है, बिकॉज कार्बन इज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है, सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये कार्बन के साथ में अटैच्ड है, ठीक है। ऑलराइट, HCl, HCl वाला केस, HCl, HCl, दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाई इज दिस नॉट कंसिडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब इसमें नोटिस करना, क्योंकि आप इसमें ये जरूर बोलोगे कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है और क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर टू बी ऑनेस्ट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इज स्टिल हाई, बट व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम राइट, यहां पर नोटिस करना, ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बट व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इज इसका लोन पेयर, ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये एक्चुअली काफी बड़ा है साइज में, एंड उसकी वजह से यहां पर डायरेक्शनल नेचर नहीं आ पाता, तो यहां पर नोटिस करना, ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इट हैज लार्ज साइज
the electron density of its lone pair is dispersed, which reduces or which you can say reduces the directional nature. Which reduces the directional nature and यहां पर ठीक है जो ये attractive force है HCl HCl के बीच में that is not called hydrogen bond. It is only called dipole-dipole interaction. This is only ये एक dipole है and HCl भी दूसरा dipole है. This is referred to as only dipole-dipole interaction and not hydrogen bonding. ठीक है, because of the larger size. ठीक है, यहाँ पर इसके पहले आपने नोटिस करा होगा जो एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए उसमें लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन इन तीनों के बारे में बात करी जा रही है. इन तीनों के केस में what we are saying is that एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अच्छा, एंड दूसरा बिकॉज उनका छोटा साइज है एटम्स का ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन का देयर लोन पेयर ठीक है दैट लोन पेयर इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर रीजन एज कंपेयर टू क्लोरीन जिसके केस में द लोन पेयर विल बी प्रेजेंट इन अ लार्जर रीजन. तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्पर्स्ड है एंड एज अ रिजल्ट ये जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है ये यहाँ पर कम हो जाता है जिसकी वजह से व्हाट वी सी इज यहाँ पर वी डोंट फाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ इंटरेक्शन. क्योंकि अगर आप सॉलिडिफाइड HCl के बारे में नोटिस करोगे तो इसके स्ट्रक्चर में यू विल नॉट फाइंड that regular pattern kind of an arrangement जो आपने यहाँ पर HF या H2O में observe किया था. ठीक है, in fact even if you have solid ammonia also solidified NH3 तो उसमें भी ऐसा ही regular pattern of arrangement follow होता है which gives a hint that यहाँ पर hydrogen bonds which are directional in nature are acting. But in case of like solidified HCl you don't find such रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स. यहाँ पर जरूर अट्रैक्शन फोर्सेस रहेगा जिससे लिक्विफाई एंड सॉलिडिफाई हो जाएगा बट इट विल बी जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज समथिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड दैट वी हैव कम अक्रॉस एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी और डिटेल्स डिस्कस करेंगे इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अभी मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया है सो we really need to get into the details of this hydrogen bonding and come across how it's going to affect the chemical and not chemical primarily but physical properties associated with compounds. ठीक है, तो यहीं से continue करते हैं next class में. all right. हाँ, कुछ डाउट है, एनीथिंग वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? नहीं, यहाँ पे ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं है यश. दिस इज जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ठीक है इंटरैक्टिंग विद द लोन पेयर. ठीक है, अब लोन पेयर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है. And this kind of overlap is again, if you would want to kind of take an analogy, so it will be more on the lines of sigma overlap. Okay, this will be more on the lines of sigma overlap, but again, we'll not call this as a sigma bond. Okay. हाँ, अरे भाई मेरी handwriting इतनी अच्छी नहीं है, I know. बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एज मच एज आई कैन.
है, काम चल जाएगा. आप कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लिया करो ना, लाइक इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन आस्क मी, आई विल रीइटरेट, दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर गाइज, विल मीट नाउ नेक्स्ट वीक. अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे दूंगा इसके बेसिस पर, जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, वो आप ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में.